नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ को लेकर जारी किया अलर्ट। कोसी व गंडक बेसिन के इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। कई जिलों में हाई अलर्ट जारी। भू एवं राजस्व विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी, गैर मजरुआ, आम खास और भूदान सभी किस्म की जमीन का होगा सर्वे। विभाग के एसीएस ने सभी जिलों के डीएम को लिखा पत्र। आज से 70वीं बीपीएससी के लिए आवेदन शुरू। 1957 पदों पर होगी नियुक्ति। 18 अक्टूबर है आवेदन की अंतिम तारीख। स्मार्ट मीटर प्रीपेड पर सियासत के बीच सीएम नीतीश का बयान। भ्रमित करने वालों की बात में न आए लोग। अधिकारियों को भी मिले जरूरी निर्देश। सरफराज खान के छोटे भाई मुसीर ईरानी कप से पहले हुए घायल। मुकाबले से पहले मुंबई को बड़ा झटका। 1-5 अक्टूबर तक लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होने वाला है मुकाबला। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें जानकारी मिली है कि कोसी और गंडक बेसिन के इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नेपाल में भारी बारिश के कारण 27 सितंबर की शाम 6 बजे कोसी बैराज से काफ़ी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया गया है। लगातार वर्षापात के कारण कोसी और गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कोसी और गंडक बेसिन के क्षेत्र सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में विशेष अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 0612229494 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किया गया है। इसी के साथ ही सभी इंजीनियर और पदाधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और 24 घंटे तटबंधों की निगरानी की जा रही है। कोसी गंडक के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की बात कही जा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के लिए वेतन और पेंशन की राशि की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा दे दी गई है। कुल 2650 करोड़ की स्वीकृति जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक के लिए मिली है। इसमें पटना विश्वविद्यालय के लिए 179 करोड़ रुपए, बीआरए विश्वविद्यालय के लिए 376 करोड़ रुपए, ललित नारायण के लिए 389 करोड़ रुपए समेत कई कॉलेजों के नाम शामिल हैं। अब विश्वविद्यालयों के विभाग जुलाई से सितंबर तक की वेतन पेंशन की राशि भी जल्द ही जारी करेगा। जून के बाद से विश्वविद्यालयों को वेतन पेंशन की राशि जारी नहीं हुई, लेकिन जुलाई से सितंबर तक की बकाया राशि वेतन पेंशन की राशि को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत सामान्य रैयतों के अलावे कई किस्म के जमीन का सर्वे कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब सरकारी विभाग और कार्यालय की जमीन के साथ ही गैर मजरुआ, आम व खास, कैसरे हिंद, बंदोबस्ती की जमीन, अधिग्रहित और भूदान से मिली जमीन का भी सर्वे होगा। इसके लिए सभी जिले के डीएम विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे। सभी डीएम को विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी जिलों को प्रारूप भेजी है और अपने यहाँ की जमीन का ब्यौरा देने की बात कही है। 23 नवंबर 2022 को वर्तमान बिहार विधानसभा का गठन किया गया था। 22 नवंबर 2025 को ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा। चुनाव से पहले कई विभाग में बहाली की प्रक्रिया जारी है। 23 सितंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसके तहत 1957 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। आज से बीपीएससी 70वीं के लिए आवेदन शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऐलान कर दिया गया है। पहले इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर थी और अब इसकी अंतिम तारीख 9 अक्टूबर कर दी गई है। समिति द्वारा कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और उन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं होंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन कार्ड पर जारी घोषणा पत्र पर छात्रों और उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। घोषणा पत्र को हस्ताक्षर के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, फिर परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा।
पटना में एम्स से बेतिया तक फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू होने वाला है। NH 139W से अधिसूचित पटना बेतिया रोड के 5 पैकेज का टेंडर किया जा चुका है। इस सड़क के निर्माण को पूरा करने में 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सड़क के निर्माण से करीब 100 किलोमीटर तक पटना से बेतिया की दूरी कम हो जाएगी और करीब 3 घंटे में सफर पूरा होगा। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच करीब 5 से 6 घंटे तक का समय लग जाता है। इस सड़क का निर्माण पटना में एम्स गोलंबर से शुरू होगा। दीघा के जेपी सेतु से होते हुए सड़क बकरपुर से मानिकपुर, साहेबगंज, केसरिया और अरेराज होते हुए बेतिया के नजदीक NH 727 से जुड़ेगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई जगहों पर बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। सड़क निर्माण की लागत करीब 5,800 करोड़ रुपए तक हो सकती है। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। अब इसी बीच सीएम नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं वे भ्रमित ना हो। सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की है, साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर अभियान चलाया जाए और लोगों के बीच जाकर इसके फायदे उन्हें बताए जाए। अब रोहतास और मुंडेश्वरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी लोग रोपवे का मजा ले पाएंगे। इसका काम जल्द शुरू होने वाला है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी घोषणा की है, जिसके बाद वन विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। रोपवे के निर्माण से इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत 18 तरह के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्रदेश के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 29 पदाधिकारियों का बिहार प्रशासनिक सेवा में तबादला किया है। इन पदाधिकारियों के तबादले की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक BMSICL का मुख्य प्रबंधक कुमारी सीमा को बनाया गया है। वहीं पंचायती राज विभाग में संयुक्त सचिव का पद नजर हुसैन को दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का संयुक्त सचिव रविंद्र कुमार को बनाया गया है। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भू अर्जन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित होने वाले पदाधिकारियों की सेवा सौंपी गई है। IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा SVU की FIR में हुआ है, जिसके मुताबिक पता चला है कि संजीव हंस ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को काम देने के बदले घूस में मर्सिडीज कार ली थी। संजीव हंस के साले गुड बलतेज सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी फोटो शेयर किया था, जहां वे कार के साथ पोज देते दिखाई दिए। इसके अलावा गुलाब यादव ने साल 2012 से 2020 के बीच में पुणे के टायर कारोबारी देवेंद्र सिंह आनंद के ट्रेडिंग अकाउंट में कुल 4.59 करोड़ रुपए कैश जमा करवाए थे। इसके अलावा देवेंद्र के दफ्तर से एक कागज बरामद हुआ, जिसमें 1 करोड़ रुपए कैश देने की बात लिखी हुई थी। अंतर जिला स्थानांतरण का मौका बिहार में 34,540 कोटी के प्रारंभिक शिक्षकों समेत प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रस्तावित स्थानांतरण व पदस्थापना नीति में इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित नीति की कॉपी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई है, ताकि मंत्रिमंडल में प्रस्तावित नीति को स्वीकृति के लिए भेजी जा सके। यदि इस प्रस्तावित नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 5.5 लाख शिक्षकों के लिए स्थानांतरण और पदस्थापना नीति प्रभावी हो जाएगी। अब गंगा के किनारे 100 मीटर की दूरी पर पूजन सामग्री फेंकने पर रोक लगा दी गई है। ये NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर हुआ है। यदि कोई पूजन सामग्री गंगा में फेंकता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए सभी घाटों पर सूचना पट लटकाए जाएंगे। गंगा और सभी सहायक नदियों की निगरानी के लिए कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्ति सभी नगर निकायों और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की तरफ से होगी। इस संबंध में पटना DM सह जिला गंगा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि गंगा नदी पर और उसकी सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण और अविरलता के लिए सभी हितधारक सजग और प्रतिबद्ध रहे।
मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक का आयोजन बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, जहां सड़क सुरक्षा संबंधी कई विभागों, पथ निर्माण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, नगर विकास और आवास विभाग, गृह और NHAI द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं की समीक्षा देखने को मिली। इस दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सामूहिक प्रयासों से राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना और मृत्यु में कमी ला सकते हैं। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और मृतकों के आश्रितों को सही समय पर मुआवजा दिलाया जा सके, उन्होंने बताया इस दिशा में और बेहतर काम हो इसके लिए विभाग प्रतिबद्ध है, जिससे सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और पर्याप्त मुआवजा मिल सके। शुक्रवार की देर रात बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया पहुंचे। यहां वे बोधगया के संबोधि रिट्रीट होटल में ठहरे हैं। यहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भक्तों की बढ़ती संख्या देख बाबा बागेश्वर भी गाड़ी से बाहर निकलकर भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार और गया जी की चर्चा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी करते हैं, उन्हें बिहार से काफी लगाव है। उन्होंने कहा कि बिहार आते हैं तो दिल में बहार हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान के छोटे भाई मुसीर खान एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक्सीडेंट ईरानी कप से पहले हुआ है। इस घटना में मुसीर को फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि मुसीर को कितनी चोट लगी है इस पर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ईरानी कप का मुकाबला मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच 1-5 अक्टूबर के बीच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि मुसीर के एक्सीडेंट से मुंबई को मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मुन्ना प्रसाद, कन्हैया कुमार, कुश कुमार यादव, गुनर शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, छोटू राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, सुकांत शंकर, राजा कुमार, सादुल्ला पालवी, जुबैर आलम, पवन देवी, रवि मोहन वर्मा, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रूपा कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद इरफान, राम बाबू दास, लक्ष्मी पांडे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।